की हत्या की है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। आज जो भग गए हैं सदन से, उनसे कहना चाहती हूँ कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलीव सलीव गलीव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। मगर आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप चलाने में लगे हो। कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं, शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी। And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British, quit India. आप देश द्रोही हो, आप देश भक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। You are not India because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट।